हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि किसी बच्चे में स्पीच प्रॉब्लम की समस्या है तो फिर उसका उपचार क्या है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर स्पीच प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों, एक उम्र होती है जब कोई भी बच्चा 6 से 7 माह का होता है तो वह कुछ कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मम्मी पापा। और जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ चीज़ों को शब्द नहीं बना पाता है, कुछ चीज़ों को बहुत ही अटक अटक कर बोलता है। यह एक सामान्य बात होती है। लेकिन यदि आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 से 1.5 साल की उम्र तक बच्चे जो होते हैं वे शब्दों को काफ़ी क्लियर तरीके से बोलने लगते हैं। लेकिन यदि आपका बच्चा भी 1 से 1.5 साल के बाद भी वैसे ही शब्दों को नहीं बना पाता है, हकलाकर बोलता है या फिर तुतलाना उसे आता है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसे ही बोलते हैं स्पीच प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका उपचार या फिर इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जो होते हैं वह बच्चों की समस्या को देखकर उसके अनुसार ही उसका इलाज करते हैं। और ज़्यादातर मामलों में होता क्या है कि काउंसलिंग और स्पीच थेरेपी की मदद से इलाज किया जाता है। अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जाती है, और अगर बात इससे भी नहीं बनती है तो फिर जो बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपिस्ट से ही कराना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपके बच्चों में भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप स्पीच थेरेपिस्ट के जाएं, उनसे कंसल्ट करें और इस प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक कर लें। क्योंकि यदि यह प्रॉब्लम जल्दी से ठीक नहीं होती है तो फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।